तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम दो हमारे दो मूवी के बारे में। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था, सच में मुझे इतना पसंद नहीं आया था, तो मैंने सोचा यार इसको बाद में फिर कभी देख लेंगे ये जब मूवी आएगी, तो इसलिए इसको डिले कर दिया। और फिर उसके बाद रही सही का सर IMDb पूरी कर देते हैं, मतलब जहां पर इसकी रेटिंग देखी मैंने, यार बहुत ज्यादा कम रेटिंग दे रखी है इस मूवी को। अब एक बात किसी ने सत्य बोली है कि भाई किसी भी बुक को उसके कवर को देखकर मतलब जज मन नहीं करना चाहिए कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी। वो सेम बात हर एक के ऊपर लागू होती है, चाहे वो मूवी हो, क्योंकि मूवी का ट्रेलर देखकर ये डिसाइड मत कर लो कि यार ये मूवी खराब निकलने वाली है या अच्छी निकलने वाली है। खैर, इस मूवी की चर्चा मतलब इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है ध्रुव, वो अनाथ है। अब ये बचपन से ही चाहता है कि यार इसकी एक फैमिली हो। जब ये देखता था कि हाँ एक माँ एक बच्चे को रोटी खिला रही है, तो वहां पर इसके अंदर से ये फीलिंग आई कि एक फैमिली होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए। तब से इसकी मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब ये जब बड़ा होता है, मतलब मैंने स्किप कर दी, जब ये बड़ा होता है तो इसको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है अन्या। अब अन्या की एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता, मतलब उसकी एक कंडीशन होती है कि ये उसी से शादी करेगी जिसकी एक छोटा सा परिवार होगा। अब भैया ध्रुव भैया ठहरे अपने अनाथ, अब उनके पास तो परिवार कहां से है, तो वो अन्या के लिए एक नकली परिवार बनाते हैं। अब ये मत सोचने लेना कि यार मैंने आप लोगों को कहानी बता दी, कहानी तो बताइए, लेकिन मैंने मतलब समझो सारी की सारी ये जो कहानी है वो ट्रेलर में दिखाई गई है, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है। आप जब ट्रेलर देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ इस स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है। और अब जब ध्रुव अपनी झूठी फैमिली बनाता है, तो अब उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो उसने जो झूठ क्रिएट किया है सच्चाई का, उसको जो मतलब जो अन्य है उसको सच्चाई का पता चलता है। देखो यार अब ये मत बोल देना यार ये स्पॉइलर मत दो, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, ये तो हमारे अंदर पता चल जाता है कि यार इसके अंदर झूठ के हिसाब से तो चीजें नहीं चलने वाली है। एट द एंड अगर उसके अंदर वो ट्विस्ट नहीं डालेंगे, वो झूठ नहीं पकड़वाएंगे, वो सच्चाई नहीं बताएंगे, तो मजा नहीं आएगा ना। तो वो सच्चाई तो पता चलनी है, ये दिल हाथ रख के कसम खा लो कि ये मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें पता नहीं तो नहीं जो भी है। और अब अन्य की ध्रुव के साथ शादी हो पाती है नहीं हो पाती है, वो उसके लिए तो आप लोगों को वो मूवी देखनी पड़ेगी। ये जो जर्नी जो दिखाई गई है ना, वास्तव में काफी ज्यादा मजेदार है। मतलब अन्य की जो शर्त होती है उसकी छोटी फैमिली हो जिस लड़के से वो शादी करे। अब अन्य का भी एक रोल है इसके अंदर, वो क्यों ऐसा चाहती है, और उसको साथ ही साथ एक कुत्ता भी चाहिए, मतलब उस लड़के के पास एक कुत्ता भी होना चाहिए। कुत्ते का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। खैर, ये जो मैंने मूवी देखी वो मैंने रात को देखने स्टार्ट की थी, और सच कहूं जब ये मूवी देख रहा था तो उस वक्त मैंने अपने अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया था। मतलब इतनी ज्यादा मुझे हंसी आ रही थी, कॉमेडी इसके अंदर इतनी अच्छी की गई है, ताकि घर वाले ना उठ जाएं, मुझे मार पिटाई मेरे साथ जरूर ना कर दें कि भैया तू सो रहा है कि नहीं सो रहा है। तो इतना मैंने उस वक्त इसको एंजॉय किया है। और सच में यार ये कईयों का अपना पर्सनल ओपिनियन मतलब हो सकता है कि यार मुझे तो नहीं आई, किसी को आ सकती है, लेकिन अपने केस में मैं अपने केस में बता रहा हूं कि मैंने मूवी को सच में एंजॉय किया, इतना मैं हंसा हूं। मुझे शायद ही कोई ऐसी हिंदी मूवी होगी कि मैंने इतने टाइम बाद देखी है जिसके अंदर इतनी खुशी हुई, अच्छा लगा और एंजॉय किया। सच कह रहा हूं यार, उसमें जो डायलॉग आ रहे थे, उसके जो सीन क्रिएट किए जा रहे थे, वो इतने बढ़िया लग रहे थे। परेश रावल सर जो हैं, उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है, तो इसलिए कह सकता हूं कि अपन ने फुल एंजॉय किया। हाँ, कहानी प्रिडिक्टेबल है, इसके अंदर पता होता है कि यार लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन बावजूद इसके ये मूवी शुरू से लेके आखिर तक अपने साथ कनेक्ट करके रखती है। मतलब कहीं पर भी आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार मैं बोर हो रहा हूं, मैंने कहीं पर भी ऐसा प्रति बार भी फील नहीं किया। मैं जो मतलब होता है ना कि मूवी के अंदर जो पुरानी मतलब जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में क्या रखा है कि यार ये मूवी देख रहा था तो इस वक्त उबासी आ गई थी 25-28 मिनट, अब तो मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे टाइम एग्जैक्ट याद है कि 28 मिनट बाद मुझे उबासी आई थी। कौन सी वो वाली मूवी थी यार, चल खैर छोड़ते। अब इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कहीं पर भी ऐसा फील हुआ ही नहीं। इवन मैंने एक दो सीन ऐसे थे जिनको बैक करके वापस उसको सुना और उस पर काफी हंसा हूं मैं। मूवी के अंदर जैसे फैमिली वैल्यू दिखाई गई कि एक परिवार का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, अब जब ये ध्रुव अनाथ होता है तब ये फैमिली बनाता है, तो इसको खुद समझ में आती है कि यार फैमिली होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जब चीज दिखाई जाती है इतना अच्छा लगता है। और साथ ही साथ एक इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को पछाड़ कर या फिर जितनी भी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उनको पीछे छोड़कर वो आगे निकल जाता है, तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है। जैसे ध्रुव ने किया, वो एक अनाथ होते हुए भी उसने जैसे एक मतलब एक बात बोली थी कि मैं चाहता तो ये कर सकता था, मतलब वो कहता है कि मैं इतना गरीब नहीं रहा, मैं अपनी मेहनत से आगे आया हूं, तो ये वाली चीज काफी मुझे पसंद आई। तो मूवी के अंदर कॉमेडी तो अच्छी खासी है ही, साथ ही साथ इसके अंदर जो सॉन्ग है
वो भी बहुत प्यारे हैं। वो मुझे मतलब जब वो सॉन्ग सुन रहा था तो इवन मैं उसे फील कर रहा था, कहीं पर भी मैंने उसको स्किप नहीं किया। या वो होता है ना कि कई कई ऐसे सॉन्ग होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जहाँ यार हम उनको स्किप कर देते हैं, मैं तो कर देता हूँ यार जहाँ मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन इसके जो सॉन्ग है मैंने अच्छे से इंजॉय किए हैं, सुने हैं उनको और मजा आया है। अब हैरानी की बात तो ये है कि जब IMDb के ऊपर जब इसको रेटिंग मैंने देखी कि 6.2 out of 10 इसको दी हुई है, तो वो थोड़ी बहुत मुझे खराब लगी। मैंने कहा इतनी अच्छी मूवी है, आप इसको फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, मतलब एक 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 छोटा सा वो सीन छोड़ दें तो, मतलब उसको अगर स्किप कर दो तो उसको उसको हटा दें तो ये सच में ये मूवी जो है वो फैमिली के साथ बैठ कर उसको फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे गंदा लगा यार कि यार इसको तो यार इससे ज़्यादा रेटिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी सीरीज हैं उनको मिल जाती है, ऐसी ऐसी मूवी है उनको मिल जाती है, लेकिन इतनी अच्छी मूवी है इसको नहीं मिल रही। तो मेरी तरफ से तो भाई साहब मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 8 out of 10, और इसके अंदर परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हर एक कलाकार बहुत अच्छा लगा है, जो भी उसको मतलब रोल दिया गया उसने अपनी पूरी ईमानदारी से उसे निभाया है और देखकर काफ़ी अच्छा लगा है। डायलॉग हो गए इतने बढ़िया हमें लगे हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी है, कहानी भले प्रेडिक्टेबल हो लेकिन मजा आता है यार शुरू से लेकर आखिर तक, हम कहीं पर भी बोर नहीं होते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो यार प्लीज जाकर मूवी देखो यार, काफी बढ़िया मूवी है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।